सो ऑर्थोडॉन्टिक अप्लायंसेस का जनरल कंसेप्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स धीरे धीरे लेते जाएंगे। तो बेसिकली ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट जो है वो क्यों किया जाता है, ताकि एस्थेटिक और जो फंक्शंस है ओरोफेशियल रीजन्स के उनको इम्प्रूव किया जाए। तो जितने भी ये चेंजेस है ये कैसे किए जाते हैं, डिवाइसेस यूज़ करके जो टीथ को मूव कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को, जॉज की, ये डिवाइसेस को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉन्टिक अप्लायंसेस। ऑर्थोडॉन्टिक अप्लायंसेस वो डिवाइसेस है जिसके मीन्स से माइल्ड प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं कोई भी टूथ के ग्रुप को और उनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को, ताकि नेसेसरी चेंजेस आ सके बोन में जो टूथ का मूवमेंट कराए। अब क्लासिफिकेशन देखिए ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस का, तो वो क्लासिफाई किया जा सकते हैं दो ग्रुप्स में। सबसे पहले मैकेनिकल में रिमूवेबल अप्लायंसेस हो जाते हैं और फिक्स्ड, और दूसरे आते हैं मायोफंक्शनल, उसमें भी रिमूवेबल और फिक्स, मतलब दो टाइप्स है, मैकेनिकल और मायोफंक्शनल। तो मैकेनिकल में एग्जर्ट माइल्ड प्रेशर ऑन अ टूथ और अ ग्रुप ऑफ टीथ एंड इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन ए प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, किसकी हेल्प से, एक्टिव कंपोनेंट्स जो पार्ट है अप्लायंसेस के खुद के, जो एक्टिव कंपोनेंट्स है उसमें आ जाता है स्प्रिंग, इलास्टिक, स्क्रू, ये सब। और ये जो अप्लायंसेस है ये बाद में फिर और क्लासिफाई किए जा सकते हैं एज रिमूवेबल एंड फिक्स्ड। मायोफंक्शनल अप्लायंसेस जो है लूज फिटिंग या पैसिव अप्लायंसेस है जो कंट्रोल करते हैं नेचुरल फोर्सेस ओरल फेशियल मस्कुलेचर की, जो ट्रांसमिट किए जाते हैं टीथ में और एल्वियोलर बोन में, किस मीडियम से, थ्रू द मीडियम ऑफ अप्लायंसेस। ये जो अप्लायंसेस है ये ट्रांसमिट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, गाइड करते हैं जो नेचुरल पेरियोल ओरल मसल है फोर्सेस, किसमें, ऑन टू द डेंटिशन। ठीक है, अब अनलाइक मैकेनिकल वन अप्लाइंसेस, जो मायोफंक्शनल अप्लाइंसेस है वो यूजुअली एक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होते उसमें, और जो फंक्शनल अप्लाइंसेस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ मॉडिफिकेशन प्रोसीजर्स के लिए, जो एम करती है इंटरसेप्टिंग और ट्रीटिंग जॉ डिस्क्रिपेंसीज। इसके बाद एडवांटेजेस आ जाते हैं रिमूवेबल अप्लाइंसेस के, तो रिमूवेबल नेचर जो है अप्लाइंसेस का वो क्या करता है, पेशेंट एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकता है ऑर्थोडोंटिक थेरेपी के टाइम पे, और क्लीन भी रख सकता है जो अप्लाइंसेस हैं उनको। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ मोस्ट मैलोक्लूजन्स जो है उनमें टिपिंग टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो रिमूवेबल अप्लाइंसेस के थ्रू ही हो पाता है। बहुत सारे जो टूथ मूवमेंट है जैसे कि टिपिंग हो गया, ओवर बाइट रिडक्शन, ये सब भी किया जा सकता है। रिमूवेबल अप्लाइंसेस जो है वो फैब्रिकेट किए जाते हैं फिर लेबोरेटरी में और यूटिलाइज करते हैं लेस चेयर साइड टाइम फॉर द ऑर्थोडोंटिस्ट, क्योंकि ये अप्लाइंसेस को कम चेयर टाइम लगता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनके पास उतने पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सो रिमूवेबल अप्लायंसेस जो है वो टिपिंग टूथ मूवमेंट कर रहा है तो कम फोर्सेस लग रही है देन यूजुअल बॉडीली टूथ मूवमेंट के लिए, और क्योंकि फोर्सेस जो एम्प्लॉय की गई है वो लेस कर स्ट्रेन कर रही है एंकर टीथ में, और क्या कर रही है, लेसर देन इन फिक्स्ड अप्लायंसेस थेरेपी, तो रिमूवेबल अप्लायंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स जो रिसीव करते हैं एडिक्वेट ट्रेनिंग, और इसलिए पॉसिबल होता है स्पेशलिस्ट के लिए ये वो कॉन्सेंट्रेट कर सके और डिफ़िकल्ट केसेस में। और जो फैब्रिकेशन है रिमूवेबल अप्लायंसेस का उनमें लेस इन्वेंट्री ज़रूरतें होती हैं और रिलेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं फिक्स्ड अप्लाइंसेस से, क्योंकि रिमूवेबल अप्लाइंसेस जो है उनमें कम चेयर टाइम लग रहा है और लेस एक्सपेंसिव है फिक्स्ड अप्लाइंसेस से, क्योंकि कम सेटिंग्स लग रही है। सो इनको हम कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रिमूवेबल अप्लाइंसेज लेस कंस्पिशियस है देन मल्टी बैंडेड फिक्स्ड अप्लाइंसेज। डैमेज अप्लाइंसेज जो अप्लाई करते हैं अनडिज़ायरेबल फोर्सेस वो भी रिमूव किए जा सकते हैं बाय पेशेंट इट्सेल्फ। अब डिसएडवांटेजेस क्या है रिमूवेबल अप्लायंसेस के, क्योंकि अप्लायंसेस को हम रिमूव कर सकते हैं तो पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट। रिमूवेबल अप्लायंसेस कैपेबल होते हैं सिर्फ टिपिंग टूथ मूवमेंट के, ये एक मेजर लिमिटेशन है रिमूवेबल अप्लायंसेस के। जब भी मल्टीपल टूथ मूवमेंट हो रहे हैं तो हमें एक बार में एक ही करना है, इसलिए जो ट्रीटमेंट हो रहा है प्रोलॉन्ग्ड इन केस ऑफ सिवियर मैलोक्लूजन, तो मल्टीपल रोटेशंस भी डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए रिमूवल अप्लायंसेस के थ्रू। और जैसे कि एक्सट्रैक्शंस वगैरह में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम रेसिडुअल स्पेस को बंद कर सके फॉरवर्ड मूवमेंट से पोस्टीरियर टूथ के, तो जैसे ही अप्लायंसेस रिमूव कर दिए जाए तो एक बहुत ज़्यादा चांसेस होता है पेशेंट का मिसप्लेस करने का या डैमेज करने का। तो पेशेंट को इनफ स्किल्स होने चाहिए कि वो रिमूव कर सके और रिप्लेस कर सके अप्लायंसेस विदाउट डिस्टॉर्टिंग देम।
और सिवियर केसेस जो है क्लास टू क्लास थ्री मलोक्लूजन के, उनको अनफेवरेबल ग्रोथ पैटर्न्स वाले में यूज़ नहीं किए जा सकते। दोनों मैकेनिकल और माई फंक्शनल अप्लाइंसेज जो है दोनों रिमूवेबल और फिक्स्ड में हमने क्लासिफाई करके रखा है। रिमूवेबल अप्लाइंसेज मतलब कि जो हम इंसर्ट कर सकते, रिमूव कर सकते ओरल कैविटी से पेशेंट खुद। रिमूवेबल अप्लाइंसेज जो है उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एबिलिटी टू मेंटेन ओरल हाइजीन, नीड फॉर लेस चेयर साइड टाइम, मेंटेन द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्लाइंसेज जो कि नीड ऑफ पेशेंट्स कोऑपरेशन एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टूथ मूवमेंट। और टेबल वन जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का, उसमें हमने देखा ही। और रिमूवेबल अप्लाइंसेज को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंपल टूथ मूवमेंट दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय टिपिंग। फिक्स्ड अप्लाइंसेज वो है जो फिट होते हैं ऑन द टूथ सर्फेस एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑपरेटर। ये जो अप्लाइंसेज होते हैं वर्सेटाइल होते हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं ओवर द रिमूवेबल अप्लाइंसेस। ये जो अप्लाइंसेज होते हैं ये बेटर कंट्रोल देते हैं और लार्ज एक्सटेंट तक जो नीड ऑफ पेशेंट की कंप्लेन है उसको रिमूव करते हैं। अब जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फिक्स्ड अप्लाइंसेस के भी है आगे है। फिक्स्ड अप्लाइंसेस जो है वो ज़्यादा वेरियस टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट करता है, टिपिंग, बॉडीली मूवमेंट, रोटेशन, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, ये सब कुछ। ठीक है, ये क्या है आपके ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस? सबसे पहले ए और बी वाले जो है आपके, ये ए और बी हो गए फिक्स्ड अप्लाइंसेस। ठीक है, ए और बी हो गए फिक्स्ड अप्लाइंसेस। सी हो गया हायरैक्स एक्सपैंडर, एंड फिर फिक्स्ड मैकेनिकल अप्लाइंस यूज फॉर स्केलेटल एक्सपेंशन। डी जो है दैट इज क्वाड हेलिक्स। क्वाड हेलिक्स एक फिक्स्ड मैकेनिकल अप्लाइंसेस है फॉर एक्सपेंशन ओनली। ई है बॉन्डेड रिटेनर, फिक्स्ड पैसिव अप्लाइंसेस। एफ है बैंडेड रिटेनर, बैंडेड बैंड जैसा फिक्स्ड पैसिव अप्लाइंसेस। अब पैसिव और एक्टिव अप्लाइंसेस क्या है ये? तो पैसिव में क्या है, ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव अप्लाइंसेस में। एक्टिव अप्लाइंसेस में एक फोर्स लगती है टीथ में या फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में और नेसेसरी टूथ मूवमेंट होता है। पैसिव अप्लाइंसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि रिटेन कर सके टीथ को जो मूव कर दिए गए हैं फ्रॉम इट्स आइडियल पोजिशन। एक्टिव और पैसिव अप्लाइंसेस को हम रिमूवेबल और फिक्स्ड में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब फिक्स्ड वाले में एडवांटेजेस क्या है कि पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है बहुत लार्ज एक्सटेंट तक। फिक्स्ड अप्लाइंसेस में ऑर्थोडोंटिस्ट डिपेंड नहीं करता पेशेंट में कि वो टाइम पे उसको पहन रहा है कि नहीं, या उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए पॉसिबल है कि हम अलग टाइप के टूथ मूवमेंट करा सकते हैं। टिपिंग, बॉडीली मूवमेंट, रोटेशन, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, बहुत सारे टूथ मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि जितने भी टूथ मूवमेंट है वो एक टाइम पर ही हो रहे हैं और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो भी कंसिडरेबली कम होता है। मोर प्रोसाइज टूथ मूवमेंट है, डिटेलिंग है ऑक्लूजन की। ठीक है, फिक्स्ड अप्लाइंसेस के थ्रू फिक्स्ड अप्लाइंसेस जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे मैलोक्लूजन्स, जैसे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले भी। फिक्स्ड अप्लाइंसेस जो है वो बेटर कंट्रोल देते हैं एंकरेज के ऊपर। उसके बाद जो है आपका आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड अप्लाइंसेस। तो क्योंकि फिक्स्ड अप्लाइंसेस का नंबर ऑफ एडवांटेजेस है जैसे कि रिमूवेबल अप्लाइंसेस और ये सब, तो ये इनमें नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि जैसे कि इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ये है कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, प्लाक और फूड डेब्रीज एक्युमुलेट हो जाती है और अटैचमेंट के आसपास, क्लीनिंग जो है टीथ की वो और डिफिकल्ट हो जाती है पेशेंट के लिए क्योंकि इंट्रैपमेंट हो जाता है दूसरे वेरियस अटैचमेंट्स का। फिक्स्ड अप्लाइंसेस जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है टू फिक्स एंड एडजस्ट, दे टेक अप मोर चेयर साइड टाइम। ठीक है, उसके बाद जो फिक्स अप्लाइंसेज है वो कंस्पिशियस है देन रिमूवेबल अप्लाइंसेज, और अनलेस मॉडर्न टूथ कलर्ड अप्लाइंसेज आर यूज दे मे नॉट बी प्लीजिंग एस्थेटिकली। फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेज जो है उनमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है फॉर ऑपरेटर एंड इनवेरिएबली हैंडल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिस्ट। डैमेज अप्लाइंसेज जो मिसडायरेक्टेड फोर्स में लगते हैं इनको हम रिमूव नहीं कर सकते, पेशेंट्स नहीं रिमूव कर सकते, पेशेंट हैज़ टू विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट रेगुलर इंटरवल पे। फिक्स अप्लाइंसेज जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं हो स्किल्ड ऑपरेटर से एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है कि एडवर्स टूथ मूवमेंट हो सके। सो आइडियल टूथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेज दिस विल बी सीइंग इन नेक्स्ट वीडियो।